उदयपुर की एक नामचीन होटल में बुकिंग को लेकर एक फ्रॉड सामने आया है। आपको बता दें कि बिनोय शाह नाम के व्यक्ति ने 15 तारीख से 17 तारीख तक उदय कोठी में रूम बुक करवाया था, जिसका बुकिंग अमाउंट लगभग 34,000 रुपए भी बिनोय द्वारा उदय कोठी के खाते में RTGS किया गया था। बुकिंग होने के बाद उदय कोठी की ओर से कंफर्मेशन मेल और रिसिप्ट भी मिली, जिसमें बुकिंग कंफर्म का मैसेज था। ऐसे में कस्टमर के होटल पहुंचने पर वहां मौजूद स्टाफ नरेंद्र ने बुकिंग नहीं होने की बात कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद पीड़ित अंबा माता थाने पहुंचे और होटल उदय कोठी में बुकिंग को लेकर हुई धोखाधड़ी का परिवाद दर्ज करवाया है। मेरा नाम अलय दोषी है, मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। हमने उदय कोठी में रूम बुक करवाए थे, 2 रूम 5 लोग, और हमने 34,000 रुपये दिए थे अहमदाबाद एजेंट को। उन्होंने 33,000 रुपया उदय कोठी को ट्रांसफ़र किया था, और हम जब अहमदाबाद से रवाना हुए तब हमने उदय कोठी में फ़ोन किया कि भाई हमारा ये नाम से बुकिंग है, तो उदय कोठी वाले ने मना कर दिया, बोले आपका ये नाम से बुकिंग नहीं है। तो हमारे पास अभी उदयपुर में कोई रूम नहीं है, और वो पैसे भी रिफंड करने की मना कर रहा है। हमने अंबे माता पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी है। वो अंबे माँ पुलिस स्टेशन में से दो पुलिस अफसर वहाँ पे गए भी सही, फिर भी वो पैसा हमको नहीं मिला है, और हम अभी बहुत परेशान हैं। और उदय कोठी वाले के अगेंस्ट FIR या जो भी मुकदमा करना है उसके लिए आगे क्या फर्दर प्रोसेस है उसके पीछे घूम रहे, लेकिन हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम उदयपुर घूमने आए थे, लेकिन उदयपुर के होटल वाले और पुलिस स्टेशन से ऐसी आशा नहीं थी कि हमको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। हम सुबह से घूम रहे हैं और यहाँ पे गली गली आसपास जा रहे हैं, लेकिन हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशन उदयपुर से नहीं थी, और आगे हम कभी उदयपुर नहीं आएंगे, ना हमारे रिलेटिव को रिकमेंड करेंगे कि भाई आप भी उदयपुर जाओ।